हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को चार हिस्सों में काट लेंगे और उसके जितने भी बीज हैं उनको हम निकाल के अलग कर लेंगे, क्योंकि बीज में होता है मॉइस्चर और हमें कुरकुरी भिंडी के लिए बिल्कुल भी भिंडी में मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो भिंडी को ऐसे काटने के बाद हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया, चार हिस्सों में काट के सारे बीज निकाल के भिंडी को एक अच्छे से बड़े बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम भिंडी में कुछ चीज़ें डालेंगे। पहला बेसन। बेसन हमने डालना है तकरीबन 4 चम्मच। बेसन के बाद हम डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा जितना बेसन डाला उसका आधा, मतलब कि 2 चम्मच। 2 चम्मच चावल का आटा और 4 चम्मच बेसन। उसके बाद 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच मैगी का मसाला है मैजिक, और 1 चम्मच ही चाट मसाला। ये सब डालने के बाद आप नमक डालेंगे जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स कर दिया है और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद जब इसका मॉइस्चर थोड़ा सा छूट जाएगा और भिंडी के साथ अच्छे से इंग्रेडिएंट्स चिपक जाएंगे, तब हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये भिंडी हमारी गर्मा गर्म तेल को अच्छे से तेल में फैला लेंगे। इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब हम इसको टिश्यू पेपर रखी हुई प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने लिया है थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला। ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इससे मैं थोड़ा सा इसको सीजनिंग करूँगी फॉर एन एक्स्ट्रा टेस्ट। जैसे कि आपको शायद सुनाई भी दे रहा हो और मुझे फील हो रहा है कि हमारी भिंडी बहुत ही कुरकुरी बन चुकी है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसको अपने घर पे ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Thank you.